हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। रूब्रिक्स के बारे में आज बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रूब्रिक्स जो है वो टॉपिक का नाम रहेगा। रूब्रिक्स होता क्या है, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए, जहां पे भी आप टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, स्कूल हो जाए, वहां के लिए ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये असेसमेंट का टूल है और असेसमेंट हर जगह जरूरी होती है। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। एक पोर्टफोलियो भी मैंने आपको करवाया था कि पोर्टफोलियो होता क्या है, वो भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा उसको। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। फ्री में आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। देखिए, रूब्रिक्स होता क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये असेसमेंट का टूल होता है। ठीक है, रूब्रिक्स जो है वो एक मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड है, जो कि स्टूडेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, या जो मान प्रोडक्ट मतलब मान लो स्टूडेंट असाइनमेंट बना के लाया, तो वो स्टूडेंट का प्रोडक्ट ही हो गया। तो जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है या प्रोडक्ट्स हैं, उनको असेस करने के काम आता है ये। ठीक है, रूब्रिक्स हेल्प इंप्रूव। तो अब जब रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं, एक होगा तो रूब्रिक बोल देंगे, अगर ज्यादा की बात कर रहे हैं तो रूब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो हेल्प इंप्रूव टीचिंग, देन कॉन्ट्रीब्यूट टू साउंड असेसमेंट एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोग्राम इंप्रूवमेंट। सो ऑब्वियसली ये देखा जाए तो किस लिए है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं इसको, समेटिव में भी कर सकते हैं, जहां पे आप जो है लास्ट में टेबल बना के एक क्या दे देते हैं, हमें रिजल्ट दे देते हैं, जो स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, बट जब इंप्रूवमेंट की बात आ गई, सो ये क्या हो गया जी, फॉर्मेटिव की बात करेंगे, जहां पे भी इंप्रूवमेंट की बात आएगी। ठीक है, देन है ये एक और जो यहाँ पे हैं, हैडी गुडरिच एंड रड। तो इन्होंने, ये रूब्रिक एक्सपर्ट है, इन्होंने क्या बोला कि रूब्रिक जो है वो एक स्कोरिंग टूल है दैट लिस्ट द क्राइटेरिया फॉर अ पीस ऑफ वर्क और व्हाट काउंट्स। मतलब जैसे हम, मैंने आपको कई बार ये एग्जांपल दिया कि डेक्लेमेशन जब करते हैं तो जो जजेस होते हैं ना, वो ऐसे उनको लिस्ट दे दी जाती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम है, यहाँ पे जो है उनका क्राइटेरिया है, मतलब कि इस बेसिस पे जज करना है। तो क्या क्या चीजों के बेसिस पे आप उनको ग्रेड दे रहे हैं या स्कोर कर रहे हैं, सो वो का पूरा क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर मेंशन होता है, और उस क्राइटेरिया की लिस्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, रूब्रिक्स बोल रहे हैं। मतलब हम स्टूडेंट्स को ये पता है पहले से कि आपको मान लो 5 पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो जांचा जाएगा, तो वो जो 5 पैरामीटर्स हैं वो आपको हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग नहीं लिखने पड़ेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम या रोल नंबर हो गए, और यहाँ पे वो 5 क्राइटेरिया हो गए जो आपने, जिसके बेसिस पे जज करना है स्टूडेंट का असाइनमेंट या फिर डेक्लेमेशन या कोई भी चीज। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे या रूब्रिक का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम इसको बनाएंगे, तो ऑब्वियसली टाइम जो है इसमें लगेगा, बट ये है कि बाद में नहीं लगेगा। एक बार जब आपने वो टेबल बना ली, वो रूब्रिक सेट कर लिया, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो इट टेक्स टाइम टू डिसाइड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया यू वॉन्ट टू असेस। तो आपको सोचना पड़ेगा ना, किन किन क्राइटेरिया के ऊपर आप जो है बच्चों का असाइनमेंट असेस करना चाह रहे हैं, कि आप राइटिंग देखना चाह रहे हैं, या कौन सी क्लास का हो रहा है आइडिया देखना चाह रहे हैं, या उसने इलेबरेट कितने बढ़िया तरीके से देख रहे कर रखा है वो देखना चाह रहे हैं। सो वो असेसमेंट की जो क्राइटेरिया सेट करने हैं उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने वो सेट कर लिया, रूब्रिक बन गया, उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा ग्रेड देने में, उसके बाद आपका टाइम जो है वो बचेगा, तो टाइम कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। रूब्रिक्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल फॉर्मेट, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम एक टेबल और एक लिस्ट बना देंगे। डिफरेंट क्राइटेरियाज आर यूज टू इवेल्युएट और मेजर, चाहे वो प्रिंसिपल जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कैटेगरी है, ऑब्जेक्टिव्स है, कि स्टूडेंट्स ने ये काम किसने बेहतर तरीके से किया। तो आपने क्या किया, 5 टेबल 5 जो है कॉलन बना के 1 2 3 4 5 लिख के वहां पे लिख दिया कि एक्सीलेंट से लेके पुअर तक गए, मतलब एक्सीलेंट, एग्जाम्पलरी, अनसेट, मतलब जो भी है आपने क्या किया, पॉइंट्स दे दिए उनको कि ये एक्सीलेंट था, ये बढ़िया था, ये नहीं था, वेरी गुड, गुड, इस तरीके से। ठीक है, सो उस तरीके से आप बनाएंगे। अब टाइप्स, मतलब इसको डेवलप कैसे करेंगे, टाइप्स से पहले डेवलपमेंट देख लेते हैं इसका। सो डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है जी, सबसे पहले तो आपको परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। ये स्टेप्स याद रखिएगा, कई बार स्टेप्स जो है ना सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ओके, सो आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि वो परफॉर्मेंस जो है आप उस, मतलब किस बेसिस पे जज करेंगे, जो अभी अभी हमने बात की थी ना कि टाइम लगेगा, तो वो टाइम यहां लगेगा कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि
परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है? देन आप सेटिंग परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस का लेवल सेट करेंगे, क्रिएटिंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन, फिर आपने डिस्क्रिप्शन बनाया, फिर आपने उन डिस्क्रिप्शंस को एक टेंटेटिव रूब्रिक्स में सेट किया, उसको इवेल्युएट किया, अगर आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ और चीज इसमें डालनी चाहिए तो आपने उस क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया, ठीक है? सो ये ओवरऑल 5 स्टेप्स रहेंगे, इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप परफॉर्मेंस का लेवल या डिस्क्रिप्शन पहले सेट कर रहे हैं जबकि आपने परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया जो है वो देखा ही नहीं है। सो क्राइटेरिया, देन लेवल, देन डिस्क्रिप्शन, देन टेंटेटिव जो है रूब्रिक्स को आप ऑर्गेनाइज करेंगे वो डिस्क्रिप्शन को, और फिर आप उसको इवेल्युएट और रिवाइज करेंगे, ठीक है? इवेल्युएशन के बाद रिवाइज अगर लिख दिया तो वो 6ठा स्टेप भी हो जाएगा। सो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हार्ड एंड फास्ट, बट आपको ये सीक्वेंस समझ आनी चाहिए कि आप रूब्रिक्स को डेवलप कैसे करेंगे, कैसे आप उसको बनाएंगे, ठीक है? अब जब टाइप्स की बात करते हैं तो यूजुअली मतलब मैंने क्या किया, कुछ एक क्राइटेरिया लिया मैं, एक तो एक जो रूब्रिक बना रही हूँ उसमें 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चों को जज कर रही हूँ, और एक जब मैं बना रही हूँ तो उसमें मैंने 5 या 10 क्राइटेरिया जो है उसके अंदर डाल दिए, तो ऑब्वियसली जो 3 वाला है वो सिंपल हुआ ना, और जो 10 वाला है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है? सो उसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा क्राइटेरिया है वो कॉम्प्लेक्स रूब्रिक्स हो गया, और जो जिसमें कम है वो सिंपल हो गया। देन होलिस्टिक, जिसको सिंप्लिसिटिक भी बोलते हैं, सिंप्लिस्टिक और एनालिटिकल, एनालिटिक या एनालिटिकल, ठीक है? होलिस्टिक में सारी चीजें आप एक बार में क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। मान लो आपने कोई चीज बनाई, मतलब रूब्रिक्स या टेबल बनाई, उस टेबल के बेसिस पे आपने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा और लास्ट में उनको पॉइंट्स दे दिए, मतलब परफॉर्मेंस आपने फाइनल रिजल्ट ही जो है इस रूब्रिक में दे दिया, ओके? एनालिटिकल में क्या होगा कि आपने डिटेल में चीजें डिस्कस की हैं, आप डिटेल में ये बता रहे हैं कि मान लो किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को दी, सो आप ये बोल रहे हैं कि डिजाइन कैसा है आपका, उसके 20 नंबर हैं, डिजाइन के बाद कॉन्टेंट कैसा है वगैरह वगैरह, प्रेजेंटेशन कैसी है, तो आपने क्या किया उसको डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे क्या रहेगा, आप सिंपली ये बोल रहे हैं कि आप कितने उसको जो है कितना ग्रेड उसको दे रहे हैं, वो होलिस्टिक हो जाएगा। अगर जनरल की बात करें तो मान लो घर में आपने कोई टेबल या लिस्ट बना ली ऐसी चेकलिस्ट सी, सो वो क्या हो जाएगा, जनरल, बट टास्क स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो वो टास्क स्पेसिफिक हो गया। जब हम इसकी बात करते हैं ना कि टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स, तो आप यूजुअली, ये तो मेजर टाइप्स है कि नाम पता हो आपको, यूजुअली जब हम बताएंगे तो 2 टाइप्स पे हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी असेसमेंट के क्राइटेरिया के बेसिस पे और परफॉर्मेंस टास्क के बेसिस पे। जब हम असेसमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं तो होलिस्टिक और एनालिटिकल रूब्रिक, और जब परफॉर्मेंस टास्क के बेसिस पे करते हैं तो जनरल और टास्क स्पेसिफिक हो गया। जनरल में ग्रुप ऑफ सिमिलर टास्क या फैमिली जो ये लोग यूज कर सकते हैं इसको, टास्क स्पेसिफिक जो है ओनली एप्लीकेबल टू असेसमेंट ऑफ ईच टास्क, सो हर एक स्पेसिफिक अलग अलग टास्क के लिए जब आप बना रहे हैं तो वो टास्क स्पेसिफिक हो गया। होलिस्टिक और एनालिटिकल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। होलिस्टिक की जब हम बात कर रहे हैं सो एक सिंगल क्राइटेरिया रूब्रिक्स है जो कि पार्टिसिपेंट की ओवरऑल अचीवमेंट की बात कर रहा है, ओवरऑल, ठीक है? जिसमें हर एक एक्टिविटी या मतलब अलग अलग नहीं है मेंशन सारी की सारी चीजें, और इसमें जो भी चीजें हम करेंगे, जो भी रूब्रिक हम बनाएंगे उसको, उसके जो एक एक क्राइटेरिया होगा ना, उसके क्राइटेरिया को हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? सो पैराग्राफ के ऊपर जो है वो फोकस रहेगा। ये देखिए जी, यहाँ पे दे रखा है, ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कि आपको जो फॉर्मेट दिया आपने कितना यूज किया, कंटेंट कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ सोर्स मटेरियल्स कैसे हैं, ग्रामर या मैकेनिक्स, तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहेगा। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने यहाँ पे कॉमेंट्स दे दिए डिटेल में पैराग्राफ में, देन फाइनल ग्रेड दे दिया, और वो फाइनल ग्रेड ही क्या हो गया आपका रिजल्ट, यानी जैसे 1 है तो मतलब ये चीज प्रेजेंट नहीं है, रिविजन की जरूरत है, 3 में सेटिस्फैक्टरी है, 4 में स्ट्रॉन्ग है, और 5 पे आप अगर टिक कर रहे हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है। सो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हर एक बच्चे का ऐसे टिक करना है कि जो जो उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, ओके? सो ये ओवरऑल अचीवमेंट को दर्शा रहा है। अगर हम बात करें एनालिटिकल रूब्रिक की, सो ये ओवरऑल नहीं दिखाएगा, ये 2 डायमेंशनल दिखेगा आपको, जिसमें वो जो सारे के सारे क्राइटेरिया है वो डिटेल में मेंशन होंगे। इट अलाउज यू टू असेस पार्टिसिपेंट्स अचीवमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। वहां पे क्या था, एक ही क्राइटेरिया लेके चल रहे थे, ओवरऑल की बात कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल हो गए। जैसे यहाँ पे हमने किया डिजाइन नॉलेज, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनानी है और इस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, तो डिजाइन के 20 मार्क्स हैं, नॉलेज के 20, एप्लीकेशन के 20, प्रेजेंटेशन के 20 और प्रोसेस के 20। अब कैसा है, अगर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है, तो 17 से 20 के बीच में मार्क्स,
देन वेरी गुड है, तो 13 टू 16 की अप टू द एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मतलब जितना आपने सोचा था उतना उतना है, एवरेज है क्लोज टू द एक्सपेक्टेशन की, थोड़ी सी कमी रह गई, देन बिलो एवरेज में बिलो एक्सपेक्टेशन, पुअर में पुअर, एंड देन आप उसको यहां से इन सबके मार्क्स को देके यहां टोटल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये जो हमने पढ़ा था ऊपर ये वाला, इसके अंदर क्या था, सिर्फ आपने पॉइंट्स दे रखे थे कि इसमें कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज को, तो एनालिटिकल थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, ये ध्यान रखिए, और जो हमारा हॉलिस्टिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, तो हॉलिस्टिक की बात की, हमने सारे के सारे क्राइटेरिया जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली इवेल्युएट किए जा रहे हैं, एनालिटिकल में हर एक क्राइटेरिया को सेपरेटली इवेल्युएट किया जा रहा है और सेपरेटली हम बात कर रहे हैं, अलग अलग रूब्रिक्स हम बना रहे हैं उनके लिए। एडवांटेज की बात करें हॉलिस्टिक में, ऑब्वियसली फास्टर स्कोर होगा कि एक ही रूब्रिक बना रखा है उसी में देना है एंड डन, बट एनालिटिकल में क्या होगा, आपको हर एक अलग अलग इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, आपने बहुत सारे रूब्रिक्स क्रिएट किए हुए हैं। रिक्वायर्स लेस टाइम टू अचीव इंटर रेटर रिलायबिलिटी, सो मतलब टाइम कम लगेगा इसके अंदर हमें, जो हमारी रिलायबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए। गुड फॉर समेटिव असेसमेंट, तो हॉलिस्टिक जो मैंने आपको बताया था ना कि जब रूब्रिक की बात कर रहे हैं तो जब इंप्रूवमेंट की बात हो रही हो तब क्या हो रहा है, वो रूब्रिक जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में हेल्प कर रहा है, जैसे कि एनालिटिकल होगा कि आपने आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने दी उसका रूब्रिक बना लिया, कल आपने जो है कोई और असाइनमेंट दिया उसका रूब्रिक बना लिया, तो उसके बेसिस पे आपने उनको इंप्रूवमेंट और फीडबैक दिए, ठीक है। सो ये जो हमारा एनालिटिकल होगा इसमें डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन टीचर को मिलेगी, फॉर्मेटिव फीडबैक स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये क्या है, समेटिव असेसमेंट के लिए अच्छा है। हॉलिस्टिक जो है उसमें सारा का सारा, मैंने आपको बताया था ना, रिजल्ट जो हमें मिलता है जो टेबल की फॉर्म में, सो वो रिजल्ट क्या है हमारा, हॉलिस्टिक है, ठीक है जी। देन एनालिटिकल में क्या है, इजियर टू लिंक टू इंस्ट्रक्शंस देन हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक में थोड़ा सा डिटेल में नहीं है चीजें कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से पता हो, एनालिटिकल में हर एक चीज डिटेल में है, सो आप इंस्ट्रक्शंस जो आपने दी हैं उनसे अच्छे से लिंक कर सकते हैं उसको। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ये अच्छा है, अडेप्टेबल है समेटिव असेसमेंट के लिए भी, सो कहीं ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके, कि ये समेटिव या ये फॉर्मेटिव, गुड फॉर लिख रखा है इन्होंने, सो बट इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन कहीं ग्रे एरिया में है तो आप समझ के करें उसको, और अगर कहीं पे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ रखा है तो हॉलिस्टिक में समेटिव असेसमेंट के लिए अच्छा है, एनालिटिकल में अच्छा तो वो फॉर्मेटिव के लिए है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको ओवरऑल ग्रेडिंग देनी है वहां पे सो आप स्कोर्स को कंबाइन कर दीजिए जो आपने एनालिटिकल में किया था, तो अडेप्ट हो गया वो समेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है जी। अब हॉलिस्टिक में टाइम तो कम लग रहा था लेकिन सिंगल ओवरऑल स्कोर है जो कि कम्युनिकेट नहीं करता इंफॉर्मेशन को कि क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होगा। देन एनालिटिकल की बात करें, टेक मोर टाइम, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगा, हम ज्यादा चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, टेक मोर टाइम टू अचीव इंटर रेटर रिलायबिलिटी, सो रिलायबिलिटी को अचीव करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, हॉलिस्टिक में कम लगेगा। ऐसे ही जनरल और स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, जैसे जनरल टास्क में क्या, जनरल मतलब टास्क बेसिस पे है ना ये, परफॉर्मेंस बेसिस पे, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अप्लाई टू अ होल फैमिली ऑफ टास्क, मतलब राइटिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सारी चीजें जो आपने की हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है, जनरल है ये टास्क स्पेसिफिक, ये वही हो गया, मतलब यहाँ पे आप होलिस्टिक पढ़ रहे थे ना तो होलिस्टिक में सारी चीजों की बात कर रहे थे, जनरल में भी हम इन जनरल सबकी बात कर रहे हैं, टास्क स्पेसिफिक में हम मतलब एनालिटिकल वे में जा रहे हैं देखा जाए तो, सो बस नाम अलग अलग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक आपको वैसी वैसी सी ही दिखाई देनी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब जनरल की बात करें, सो कैन शेयर विद स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिटली लिंकिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, सो इन जनरल है सबसे आप शेयर करेंगे इसको, रीयूज सेम रूब्रिक्स फॉर विद सेवरल टास्क एंड असाइनमेंट, सेम ही यूज कर सकते हैं आप। सपोर्ट लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स सी गुड वर्क एज बिगर देन वन टास्क, सो ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को ये देखने में कि अच्छा काम जो है वो कहाँ है। सपोर्ट स्टूडेंट सेल्फ इवेल्युएशन, वो सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं खुद को। स्टूडेंट्स कैन हेल्प कंस्ट्रक्ट जनरल रूब्रिक्स, और स्टूडेंट्स की हेल्प भी यहाँ पे ली जा सकती है, तो स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो रूब्रिक्स जो है ऑब्वियसली टीचर जो है वो क्या करेगा, बनाएगा। किसी ने पूछा था मेरे से कि पोर्टफोलियो जो है वो तो टीचर बनाता है ना, नहीं जी, पोर्टफोलियो लर्नर बनाता है, वो लर्नर का पोर्टफोलियो होता है कि लर्नर की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, और उसके बेसिस पे टीचर उसको असेस करता है। ओके, रूब्रिक्स जो है वो टीचर बनाएगा, ऑब्वियसली वो टीचर असेस कर रहा है उस चीज को, एंड उसमें कहीं ना कहीं जब
जनरल रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो टीचर जो है बच्चों की हेल्प ले सकता है, उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है उसमें, और जब बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे तो सेल्फ इवेल्युएशन का स्कोप जो है वो वहां पे खुल जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज बात करें तो लोअर रिलायबिलिटी एट फर्स्ट देन विद टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। तो टास्क स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने एक अलग रूब्रिक बनाया तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है ना, कि भाई हर एक टास्क के ऊपर फोकस हो रहा है। ठीक है, रिक्वायर्स प्रैक्टिस टू अप्लाई वेल, अच्छे से अप्लाई करने के लिए इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो होलिस्टिक एनालिटिकल बिल्कुल अलग है, जनरल और टास्क को आप अलग ही लेके चलिए। जनरल में हम रिलायबिलिटी कम मान रहे हैं क्योंकि इन जनरल चीजें हैं, जबकि हमारे अगर क्लासरूम की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट जनरल में क्या चीजें हैं कि इन जनरल सब चीजों के लिए है वो, टास्क स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क के लिए है। ओके, टास्क स्पेसिफिक की बात करेंगे तो टीचर समटाइम्स से यूजिंग दिस मेकिंग स्कोरिंग ईजी, तो ईजी बन जाता है उनके लिए स्कोर करना। रिक्वायर्स लेस टाइम टू अचीव इंटर रेटर रिलायबिलिटी, सो ये जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी अचीव करने वाली चीज है, ये होलिस्टिक और जो हमारा था ऊपर क्या था, होलिस्टिक और एनालिटिकल, उससे उल्टी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कांट शेयर विद स्टूडेंट्स वुड गिव अवे आंसर्स, सो ये शेयर नहीं करेंगे हम बच्चों के साथ। टास्क स्पेसिफिक है कि बच्चों ने क्या क्या चीजें की है वो आप ऑब्जर्व कर रही हैं। नीड टू राइट न्यू रूब्रिक्स फॉर ईच टास्क, हर एक टास्क के लिए आपको अलग लिखना पड़ेगा। फॉर ओपन एंडेड जो टास्क हैं, गुड आंसर्स नॉट लिस्टेड इन रूब्रिक्स मे बी इवेल्युएटेड पुअरली, सो हो सकता है कि गुड आंसर उन्होंने अच्छा लिख रखा हो लेकिन वो क्राइटेरिया हमने ना लिख रखा हो अपने रूब्रिक्स में, सो वहां पे ओपन एंडेड टास्क के लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्लोज एंडेड के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ओके, देन इंपॉर्टेंट क्या, मतलब क्यों है इंपॉर्टेंट ना रूब्रिक्स। अभी तक हमने रूब्रिक्स के बारे में सब कुछ बात कर ली, उसके टाइप्स की बात कर ली, बनाते कैसे हैं, उसके स्टेप्स की बात कर ली। सो रूब्रिक एक असेसमेंट का टूल है, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि असेस करने के लिए हेल्प कर रहा है, लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, जहां पे भी हमें गड़बड़ लगी हम उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं बच्चे को, और एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कम्युनिकेशन का भी काम कर रहा है कि टीचर ने जो है क्या क्या क्राइटेरिया सेट किए बच्चों को बताया कि इस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, बच्चे उसको परफॉर्म अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। सो कम्युनिकेशन टूल का भी कहीं ना कहीं ये काम करता है। अब हम इसको रूब्रिक को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं कि अगर हम अलग अलग जो है असाइनमेंट है हमारा उसके लिए अलग अलग रूब्रिक क्रिएट करें, बीइंग अ टीचर हम ट्रांसपेरेंट रहें कि हम अच्छे से स्कोर कर रहे हैं सबको बिना कोई जो है बायस्डनेस या उसके पार्शियलिटी के। लिब्रेज रूब्रिक्स टू मैनेज योर टाइम, आप अपना टाइम मैनेज करने के लिए इसको हेल्प ले सकते हैं इसकी। ठीक है, इंटीग्रेट रूब्रिक्स इनटू असाइनमेंट, कई बार क्या होगा कि आप जो असाइनमेंट बच्चों को दे रहे हैं उसी में उसको क्या कर दीजिए, वो इंटीग्रेट कर दीजिए, जहां पे उनको अच्छे से पता होगा कि इन इन बेसिस पे आपको जज किया जाएगा और वो आपके असाइनमेंट के साथ ही इंटीग्रेटेड है। तो क्या कर सकते हैं, उसी को हम बच्चों को आपस में बांट के पीयर असेसमेंट भी करवा सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, बी प्रिपेयर टू रिवाइज योर रूब्रिक्स, तो आपके रूब्रिक्स को आपको रिवाइज जो है करते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल रिजिडिटी आ जाए, एक बार बना दिया और वही चीज चल रही है। कंसिडर डेवलपिंग ऑनलाइन रूब्रिक्स, ऑनलाइन रूब्रिक्स भी आप डेवलप कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका, वो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो इफेक्टिवली आप इसको यूज कर सकते हैं एक टूल की तरह, ताकि आपका जो काम है बींग अ टीचर वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाए और जल्दी भी हो जाए, आप टाइम को जो है सेव कर पाए, कैसे मैनेज कर पाए इसको। ठीक है जी, सो ये हो गया रूब्रिक्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में टॉपिक। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ आ गया है तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया है। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड प्लीज शेयर इट, जितने ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके उनकी करनी चाहिए। अगर आपको चैनल मिल गया है तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।